today I will explain you. ठीक है, I mean characteristic of PN junction. I mean current or before voltage. Current or voltage. आपने देखा होगा बेटा PN junction का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, पैटर्न है, उसमें दो मीटर लगे हुए हैं, एक वोल्ट मीटर एक एमीटर. तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज और करंट दोनों का वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे और एक इस तरह से बनाएंगे पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज में. सबसे पहले पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज. ठीक है, तो पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड वाइज में सपोज करते हैं ये ले लेते हैं हम करंट. ठीक
और अब शुरू में हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, वोल्टेज देंगे इस तरह से, लेकिन करंट में क्या है, वेरिएशन नहीं होगा। जब आप क्या करेंगे, आप देखो समझ लो, जब पीएन जंक्शन डायोड का सेटअप आप उसमें कनेक्ट करेंगे कनेक्शन से, तो आप क्या करते हैं, उस नॉब से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, वोल्टेज को ही तो बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज और करंट का वेरिएशन देखते हैं हम लोग उसमें। तो वोल्टेज को जब बढ़ाएंगे करंट में वेरिएशन नहीं रहेगा और ये ऐसा ही रहेगा, मतलब ये पोजीशन इस तरह की क्या कहलाएगी, करंट कैसी हो गई, सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो ये पोजीशन कहलाती है हमारी सैचुरेशन करंट। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके बाद हम देखते हैं एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये करंट में क्या होगा, एकदम ये देखिए ये जो कंडीशन है ये क्या कहलाएगी, कौन सी कंडीशन है सर, ये कहलाता है हमारा ब्रेकडाउन होगा, इसमें करंट में ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन इसे हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन या एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है, कौन सा कहेंगे, जेनर ब्रेकडाउन। इसी के बाद ही जेनर डायोड आया है, समझ रहे हो, जेनर डायोड रिवर्स वाइज करंट पे ही बैरी करता है, उसी पे वर्क करेगा। तो ये ब्रेकडाउन हो गई इसमें और ब्रेकडाउन हो गई, देख रहे हो आप करंट का जो कर्व है बिल्कुल कैसा मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है ये ब्रेकडाउन रीजन है, कौन सा रीजन है, ब्रेकडाउन रीजन, बिल्कुल ऐसे ही कर्व आएगा। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जो रीडिंग लेंगे फॉरवर्ड बायस में, अगर हमारा जो ग्राफ है इस तरह से आ रहा है तो आपका बिल्कुल ठीक है, सपोज करो आपका इस तरह से आ रहा है तो रॉन्ग है, ठीक है। और ये इस तरह से तो आएगा शुरू में, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगी, लगभग कॉन्स्टेंट रहेगी, सैचुरेशन करंट लिख दिया क्या होगा, एक मिनिमम क्राइटेरिया पार करने के बाद ये करंट में क्या होगा, सडन एक ब्रेकडाउन हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज वही रहेगा, ये हो सकता है 3.1 वोल्टेज को 2.1 पे हो, ठीक है। दूसरी चीज बात करते हैं ब्रेकिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज की, ए अब सुन लो भाई, जर्मेनियम के लिए कट ऑफ वोल्टेज और सिलिकॉन के लिए कट ऑफ वोल्टेज दोनों के लिए कितना होता है, ये बनता है बाबा इस क्वेश्चन, बताओ दोनों का 0.7 एक का बनेगा और एक का 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, हाँ। और दूसरी चीज हमने एक चीज और बताई थी 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये शुरू में बताए थे सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, लेकिन कट ऑफ वोल्टेज इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक का कितना होगा 0.7 और एक का 0.4, इसे जरा पुश करो,